हाय गाइस, माय नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। हम लोग अपनी किचन को क्लीन करने में, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखने में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी परचेज करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी हमको हमारी किचन क्लटर लगती है, इसका मतलब है कि हमने उसको ऑर्गेनाइज करने में कुछ मिस्टेक्स की हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपनी किचन की फ़ोटोज़ भेजी और कहा कि मैम ये कॉर्नर अभी भी मेसी लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपकी सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 कॉमन किचन ऑर्गेनाइजिंग मिस्टेक्स के बारे में, जो मैंने भी विद टाइम ही सीखी है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक इज़ स्टोरिंग थिंग्स रैंडमली। जहाँ स्पेस मिली चीज़ को वहीं रख देना, दैट्स नॉट करेक्ट। जो चीज़ें आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी हो, उनको हमेशा हैंडी रखिए। जैसे कि इस ड्रॉप में मैंने सभी उन चीज़ों को रखा है जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी होती हैं। इसके लिए मैंने एक ड्रॉ ऑर्गेनाइजर यूज़ किया है, जिससे सभी चीज़ें सेग्रीगेटेड भी हैं और विजिबल भी हैं। सिमिलरली इस ड्रॉ में मैंने अपनी डेली यूज प्लेट्स को रखा हुआ है, यहीं पर बोल्स हैं और हॉट पैड्स भी रखे हुए हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको रेयरली यूज़ करनी हो, उनको आप टॉप या फिर हार्ड टू रीच शेल्स में ही रखिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिनर सेट रखा हुआ है जो कि बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। इन द सेम वे इस कैबिनेट में हमने अपना अवन, वेजिटेबल चॉपर और मिक्सी रखे हुए हैं। क्योंकि अवन बहुत रेयरली यूज़ होता है, इसलिए मैंने उसको पीछे की साइड रखा है और ये सभी चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट डेली, इसलिए इनको आगे की साइड रखा हुआ है। इस सिस्टम को फॉलो करके फ्रीक्वेंटली यूज चीज़ें सामने ही रहती हैं, विच हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन किचन। नेक्स्ट इज़ मिक्सिंग हाफ ईटन पैकेट। हम सभी के घर में कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो एक बार में 100% कंज्यूम नहीं होते, जैसे कि सूप या फिर इनो सैशेज। तो उन हाफ ईटन पैकेट्स को कभी भी वापस बॉक्स में या बास्केट में मत रखिए। इस तरह से वो फ्रेश पैकेट्स के साथ ही मिक्स हो जाते हैं और जब भी हमें उन्हें दोबारा यूज करना होता है तो हम फॉरगेटफुली न्यू पैकेट ओपन कर लेते हैं। दिस रिजल्ट्स इन क्लटर एंड वेस्टेज। सो हेयर्स अ सॉल्यूशन। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने कैबिनेट डोर पर 2 या 3 कमांड हुक्स लगा लें और उन पर इन हाफ ईटन पैकेट्स को हैंग कर लें। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको उनको फिर से कंज्यूम करना होगा, तो हाफ ईटन पैकेट्स प्रॉपरली विजिबल रहेंगे और आप पहले उन्हीं को फिनिश करेंगे। इसी तरह से स्नैक सेक्शन में भी ये पैकेट्स बहुत क्लटर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप इन पैकेट्स को रिमूव कर लें और सभी जार्स को एक साइड पर प्लेस कर लें। उसके बाद इन सभी पैकेट्स का ये जो एक्स्ट्रा रैपर होता है, इसको कट कर लें, क्योंकि ये अननेसेसरीली बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद आप कोई भी डीप बास्केट ले लें और उसके अंदर इन पैकेट्स को रख लें। उसके बाद जब आप इस बास्केट को शेल्फ में प्लेस करेंगे, तो आपका पूरा स्नैक सेक्शन क्लटर फ्री और नीट लगेगा। नेक्स्ट इज ओवरक्राउडिंग योर कैबिनेट्स। जब हमारे किचन में कोई बहुत बड़ी कैबिनेट होती है, तो हम उसके अंदर अलग अलग तरह का बहुत सारा सामान रख देते हैं, विच इज़ फाइन। स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना ही चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि वो चीज़ें आपस में मिक्स ना हो, अदरवाइज वही स्पेस मेसी हो जाती है। जैसे हमारे किचन में एक ये कैबिनेट बहुत ह्यूज थी, तो इसके लिए पहले मैंने एक रैक लिया था। इसमें सभी चीज़ों को अरेंज करने के लिए मैंने बास्केट्स यूज़ की हैं। इस तरह से इसमें अलग अलग चीज़ें साथ भी रखी हुई हैं और वो मिक्स भी नहीं हुई हैं। लेट मी शो यू व्हाट ईच बास्केट कंटेन्स। किचन क्लीनर एंड सैनिटाइजर, डिटर्जेंट्स एंड हैंड वॉश, ऑल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, किचन टॉवल्स एंड टिश्यू पेपर्स, किचन स्पॉन्ज एंड स्क्रबर्स, किचन नैपकिन्स। इस तरह से सभी चीज़ों को डेडिकेटेड स्पेस देकर आपकी किचन हमेशा मेस्ट्री रहती है। सिमिलरली हमारा एक छोटा सा शेल्फ सिर्फ टी रिलेटेड चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हमने हनी, फिल्टर कॉफ़ी, स्वीटनर्स, माई ग्रीन टी, शुगर एंड टी कैनिस्टर्स रखे हुए हैं।
नेक्स्ट इज इग्नोरिंग द क्लटर क्रिएटर्स। आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि किचन में कभी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से मेस क्रिएट होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो ये कहती है कि मेरी किचन फैली रहती है, तो उसका रीज़न है रबर बैंड्स, मैच बॉक्सेस, इनो सैशेस जो हम कहीं भी रख देते हैं। तो अगर हर चीज़ की अपनी एक डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होगी तो डेफिनेटली मेस क्रिएट होगा। इसके लिए मैं आपके साथ दो एग्जाम्पल शेयर करूँगी। जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं तो साथ में जो कॉन्डिमेंट्स आते हैं वो जनरली या तो हमारे डाइनर पर पाइल अप होते रहते हैं या फिर किचन में किसी अप्लायंस पर। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से घर में और किचन में मेस क्रिएट होता है, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। आप सिर्फ एक एयर टाइट कंटेनर यूज़ करें और अगर आपके पास ज़्यादा कॉन्डिमेंट्स हैं तो अलग अलग कंटेनर्स में उनको सॉर्ट करके स्टोर कर लें। देन आप उनको अपने शेल्फ में रख लें, इस तरह से वो खुद भी नीटली स्टोर्ड रहेंगे और आपकी किचन को भी नीट रखेंगे। सिमिलरली फूड ऑर्डर करने के साथ जो कटलरी आती है उसको भी प्लीज अपनी रेगुलर कटलरी के साथ मिक्स मत करिए, इट जस्ट लुक्स वेरी क्योटिक। ऑल्सो उनको फेंकिए भी मत। इसके लिए मैंने एक ये फ्रेश टूथपेस्ट होल्डर लिया है, आप चाहे तो कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सारी कटलरी को कलेक्ट करके इसके अंदर रख लें। देन इस बॉक्स को आप अपने किसी भी शेल्फ में रख लें। तो जब आप या आपके फैमिली मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस बॉक्स को एज इट इज कैरी कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने रेगुलर स्टील स्पून्स देने की या ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑयल डिस्पेंसर्स इनकरेक्टली। वन थिंग इज सर्टेन, हम ऑयल डिस्पेंसर्स को जहाँ भी रखेंगे वहाँ ऑयल का स्टेन आएगा ही। तो अगर आप अपने ऑयल डिस्पेंसर्स को काउंटर टॉप पर रखते हैं तो उनके लिए कभी भी वुडन ट्रेज मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वुडन ट्रेज ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रेगुलर यूसेज के बाद वो ख़राब हो जाती हैं और डस्ट भी अट्रैक्ट करती हैं। इट्स ट्रू दैट वुडन ट्रेज लुक रियली क्लासी, तो आप उनको सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी डाइनिंग टेबल पर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑयल डिस्पेंसर्स प्लेस करने हैं तो उसके लिए हमेशा स्टील या फिर मेलामाइन ट्रेज ही यूज़ करें, क्योंकि अगर उन पे कोई ऑयल का स्टेन आ भी जाता है तो आप उनको वॉश या फिर वाइप कर सकते हैं, दे आर कम्प्लीटली मेंटेनेंस फ्री। सिमिलरली मैंने शेल्फ में भी ऑयल डिस्पेंसर्स के नीचे ट्रे रखी हुई है। नेक्स्ट इज अनथॉटफुल परचेजेस। किसी भी चीज़ को परचेज करते टाइम हम जनरली उसका प्राइस, कलर, डिज़ाइन ये सब देखते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप ये भी देखिए कि आप उसको अपने किचन में स्टोर कैसे करने वाले हैं। जैसे कि ये वाले ग्लासेस स्टोर करने के लिए बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि आप इनको स्टैक नहीं कर सकते। इस तरह के यूटेंसिल्स बहुत हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या फिर आपको उनको स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स परचेज करने पड़ेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उस तरह के यूटेंसिल्स लें जो कि स्टैकेबल हों। इस तरह के यूटेंसिल्स को आपकी किचन में बहुत कम स्पेस चाहिए होती है, एंड ट्रस्ट मी किचन ऑर्गेनाइजिंग में इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। इस तरह के यूटेंसिल्स को सिर्फ स्टोर करना ही नहीं बल्कि क्लीन करना भी इजियर होता है। और अगर आप कम प्राइस में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई मीशो। मैंने मीशो से ये ग्लासेस लिए हैं जो कि बहुत प्रिटी हैं, विंटर में कुल्हड़ वाली चाय की फील के लिए जस्ट परफेक्ट। साथ ही में मैंने ये ट्रे ली है विद गोल्डन हैंडल्स एंड इट लुक्स सो क्लासी। साथ ही में मैंने ये कंटेनर्स लिए हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये काफ़ी स्टर्डी हैं और एयरटाइट भी हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर परचेज किए हैं। मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है और अगर आप भी अपने लिए ये सभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मीशो की ऐप डाउनलोड करिए। जैसे ही आप मीशो ऐप ओपन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ हर कैटेगरी में कितनी वैरायटी है, चाहे वो सर्विंग प्लेटर्स हो या ग्लासवेयर हो, दे हैव गॉट अ वेरी गुड कलेक्शन। यहाँ पे इंडियन वे के भी आपको काउंटलेस डिजाइंस मिलेंगे। बेटर जजमेंट के लिए आप सभी प्रोडक्ट्स की एक्चुअल इमेजेस देख सकते हैं और उनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। मीशो से आप जब भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। चेकआउट करते टाइम प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस मेंशन कर दें।
और मीशो के थ्रू आप अर्न भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की फोटोज आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और जब आप उनके लिए कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो मार्जिन्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। वंस द ऑर्डर इज प्लेस्ड देन दैट्स इट, मीशो विल टेक केयर ऑफ द डिलीवरी। एंड टू अवॉइड एनी रिस्क यू कैन ऑल्सो गो फॉर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी ऑप्शन। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी शेल्फ को या किसी कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमेशा सोचिए कि क्या आपने इसकी स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया है या फिर इसमें अभी भी स्पेस है। जैसे कि इस कैबिनेट में वर्टिकल स्पेस कम्प्लीटली अनयूटिलाइज्ड है। इस स्पेस को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर एक ट्रे रख दी। दिस वे आई कुड प्लेस सो मेनी मोर थिंग्स ऑन इट। इस तरह से सिंपल ऑर्गेनाइजर्स यूज करके हम अपने किचन की स्पेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सभी सामान भी स्टोर हो जाता है और हमारे किचन मेसी भी नहीं लगती। इसी के साथ हम बात करेंगे टू टीयर वेजिटेबल ट्रॉली के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में होती है। मेरे घर में भी थी। अगर आप पहली बार अपनी किचन सेटअप कर रहे हैं और अगर आपको एक वेजिटेबल ट्रॉली परचेज करनी है देन ग्रेट, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी टू टीयर वेजिटेबल ट्रॉली है तो उसके लिए आई सजेस्ट यू कि जब भी आप फ्यूचर में इसको चेंज करें तो इसकी जगह हमेशा फोर टीयर वेजिटेबल ट्रॉली परचेज करें, क्योंकि ये ट्रॉली फ्लोर पर इक्वल स्पेस ही ऑक्यूपाई करती है, लेकिन हम इसके अंदर और बहुत चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बॉटम शेल्फ पे मैंने पोटैटो और अनियन रख दिए हैं। यहाँ मैं अपना वेजिटेबल बैग फोल्ड करके रख रही हूँ, देन ग्रोसरी बैग, पेपर बैग्स एंड लंच बैग, एंड फाइनली टॉप शेल्फ में रख रही हूँ डबल ओवन मिट, एप्रन एंड यूटेंसिल ड्राइंग शीट। तो आपने देखा कि एक करेक्ट चीज परचेज करके हम उसी स्पेस में और कितनी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज यूजिंग द रॉन्ग कंटेनर्स। मेक श्योर कि आपके किचन में मैक्सिमम कंटेनर्स सी थ्रू हो और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के हों, क्योंकि इस तरह से जब हम उनको शेल्फ में प्लेस करते हैं तो वहां कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आइडियल कंटेनर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख नहीं सकते कि इसके अंदर क्या रखा है, एंड सेकेंडली जब हम इसको शेल्फ पे प्लेस करते हैं तो राउंड शेप होने की वजह से वहाँ बहुत स्पेस वेस्ट होती है। किचन में सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस तरह के ग्लास जार्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनके अर्गोनॉमिक डिज़ाइन की वजह से शेल्फ में कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं होती। ये सी थ्रू कंटेनर्स हैं एंड साथ में ये एयरटाइट भी हैं। ये जार्स मार्केट में अलग अलग साइज में अवेलेबल हैं, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसके अंदर पल्सेस, स्पाइसेस, स्नैक्स सभी तरह की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट मिस्टेक इज ओवरलोडेड काउंटरटॉप। हम किचन में अलग अलग अप्लाइंसेस जैसे कि मिक्सी, वेजिटेबल चॉपर, अवन, सैंडविच मेकर, ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इन सभी अप्लायंसेस को काउंटरटॉप पर ही रख लें तो किचन में वर्किंग स्पेस तो रहेगी ही नहीं। इसलिए जितना हो सके अपने किचन काउंटरटॉप को एम्प्टी रखिए ताकि कुकिंग करने के लिए आपके पास इनफ स्पेस हो। इस तरह से आपकी किचन क्लटर्ड भी नहीं लगेगी और आप कंफर्टेबली कुकिंग भी कर पाएंगे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। इनमें से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।